पिछली वाली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि क्लिकबैंक का कौन सा सबसे बेस्ट ब्राउज़र है, वो मैंने ओपिनियन मेरी तरफ से दिया था। बट आज मेरे को सबूत हाथ में लग चुका है, यानी कि आप एक तरह से प्रूफ कह सकते हो, खुद क्लिकबैंक का आर्टिकल मिला है मुझे जिसमें इन्होंने कैसे साइनअप करना ये बताया है। बट मैं आज आपसे सबसे फेवरेट ब्राउज़र के बारे में बात करने वाला हूँ, वो भी क्लिकबैंक के। क्लिकबैंक ने खुद अपने आर्टिकल में बताया यार, इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ आप क्या लोगे मेरे से। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वो पिछली वाली वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्या कीजिए उस वाली वीडियो को देख लीजिए। उस वाली वीडियो में मैंने आराम से आपको अच्छी तरह से बताया है कि कौन सा सबसे बेस्ट ब्राउज़र है, वैसे तो इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल का लिंक मैं आपको शायद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप मांगेंगे मेरे से। तो इस वाले वेब पेज में इन्होंने कैसे साइनअप कर रखा है, खुद क्लिकबैंक ने बताया है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको यकीन हो जाए इसलिए मैं आपको इसका लोगो भी दिखा दिया करता हूँ। लोगो ही नहीं, इसका आप URL भी देख सकते हैं, clickbank.com। ठीक है, और ये क्लिकबैंक का ही वेब पेज है। ओके, और इन्होंने ही आर्टिकल पोस्ट किया कि आपको क्लिकबैंक में कैसे साइनअप करना है, यानी बोलो क्लिकबैंक खुद बता रही कि उनको कैसे, मतलब आपको कैसे साइनअप करना है उसकी वेबसाइट के अंदर। बहुत सारों के अकाउंट्स नहीं बनते हैं, आई नो, मैं इस बात को जानता हूँ, सस्पेंड भी हो जाते हैं। पर अगर आप मान लीजिए क्लिकबैंक के बताए अनुसार ही साइनअप करते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका अकाउंट अप्रूव होने के और सस्पेंड ना होने के। और मैंने दोस्तों इसी मेथड का यूज़ किया था जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वाले मेथड का मैंने कई बार मेरे पिछली दो वीडियोज़ में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा, देखिए अच्छी तरह से देखिए, हाउ टू एडजस्ट योर ब्राउज़र सेटिंग्स। ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर वन पे आता है दोस्तों हमारे पास में फायरफॉक्स ब्राउज़र। ओके, फायरफॉक्स ब्राउज़र पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वाली जो क्लिकबैंक की वीडियो थी ना उसमें मैंने बताया था कि फायरफॉक्स ब्राउज़र को फिक्स कर लो आपके क्लिकबैंक के लिए या फिर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ और ये सिर्फ मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता, देखो मैं हर बात प्रूफ के साथ बोलता हूँ। आज मैं प्रूफ भी लेके आया हूँ आपके सामने, मैं ढूंढ रहा था इसको कई दिनों से यार, पर मेरे को मिल नहीं रहा था, पर आज मेरे को ये आर्टिकल पा ही चुका है। ठीक है, और ये वाला आर्टिकल एक तरह से प्रूफ है, मेरे सबूत है कि फायरफॉक्स ब्राउज़र ही सबसे बेस्ट ब्राउज़र है क्लिकबैंक के लिए। और इस वाले में कुछ सेटिंग्स आपको करनी होती है जो कि यहाँ पर लिख रखी है इन्होंने, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अभी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दूसरा ब्राउज़र दिखा दिया करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ब्राउज़र आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप नहीं जानते होंगे इस ब्राउज़र का नाम, आई नो डेट, पर ये वाला वो ब्राउज़र है जो PC में चलता है ना, अगर आपके पास में विंडोज़ है तो आपके में ये जो ब्राउज़र है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के रूप में आता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ करते हैं, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज सेम यही है। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, मुझे बताए, ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यार माइक्रोसॉफ्ट एज अलग है और इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। हाँ, दोनों अलग अलग ब्राउज़र ज़रूर दिखेंगे आपको, पर दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ये सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, मैंने PC में देखा हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने अभी मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर मेरे जो PC है उसमें मैंने देखा हुआ है ये दोनों ब्राउज़र सेम ही मान के चलता है क्लिकबैंक। ओके, तो ये है हमारा दूसरा नंबर का ब्राउज़र। ठीक है, पहले नंबर का फायरफॉक्स है और दूसरा नंबर का इंटरनेट एक्सप्लोरर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर शायद आपको मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो माइक्रोसॉफ्ट एज का ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, वो आपको 100% मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नीचे आ जाया करते हैं और तीसरे नंबर पर हमारे पास में जो ब्राउज़र आता है वो आता है क्रोम। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर इन्होंने दिया हुआ है तो इस पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, क्योंकि हर कोई अगर आज के टाइम में क्लिकबैंक का अकाउंट बनाता है ना तो वो क्रोम का यूज़ करता है। भाई क्रोम के ऊपर ही क्लिकबैंक ने दो ब्राउज़र दिए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पहले नंबर पर तो इसने फायरफॉक्स को दिया हुआ है और दूसरे नंबर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ मतलब दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, पहले फायरफॉक्स में यूज़ कीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट ब्राउज़र है, जो फर्स्ट चॉइस है क्लिकबैंक की, वो फायरफॉक्स ब्राउज़र है। आपके पास में अगर आप मान लीजिए फायरफॉक्स ब्राउज़र है ही नहीं या फिर आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ चुकी कि आप तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर पा रहे फायरफॉक्स ब्राउज़र, तो आप जाइए फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज पर। और फिर अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप तीसरे नंबर पर जाके चूज़ कीजिए क्रोम ब्राउज़र को। ठीक है, ये मतलब फायरफॉक्स ये पहले नंबर पर क्यों रखेगा भाई, आप खुद ही सोचो ना। वो क्योंकि इसको पसंद है भाई फायरफॉक्स ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र पर अकाउंट बनाओ। ठीक है, ये मैंने पिछली दो वीडियो में बताया, इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना। बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, उनका अकाउंट नहीं बन पाता, मेरे को पता है, और उनका अकाउंट बाद में जाकर सस्पेंड भी हो जाता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। मेरे को लगभग 2 साल हो चुके हैं क्लिकबैंक का अकाउंट बनाया, अभी तक भी सेफ है क्योंकि मैंने फायरफॉक्स ब्राउज़र बताया। ये लगभग 3री बार नहीं यार 5वीं बार बता रहा हूँ ये बात आपको। ओके,
तो इसलिए सीरियसली लो इस बात को, फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज़ करो, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।